नाउन क्यों लिख रहे हो? यही हो ही रहा है यहाँ सबूत के लिए भाई आप आए हैं। सबूत के लिए आए हैं तो ये सबूत क्यों लगाया जा रहा है? तो सिर्फ इसी मोहर मार पीएससी बोलने से कोई फायदा नहीं है। जो मेरे पास साधन है वही हम खरीदिए, बाकी जाओ पागल हो गए हम लोग रोज 1000 आदमी से बात करते करते। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चपेट में है, बिहार सरकार इसको लेकर काफ़ी अलर्ट है। शायद यही वजह है कि बिहार में आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं राहत भरे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अन्य राज्य के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं बिहार में राहत की खबर है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, ये वीडियो है गया का। इस वीडियो में देखिए कैसे ये वीडियो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, सरकार जिस तरह से अलर्ट मोड में है, क्या इस पे सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या वाकई सरकार पूरी ईमानदारी से अपने काम कर रही है? क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह से देखा जा रहा है, एक सेंटर पर लोग जो कि बाहर से आए हैं, जो बाहर बिहारी काम कर रहे थे, जो मजदूर थे वो आए हैं, उनकी जांच किस कदर हो रही है? दरअसल जांच ही नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सेंटर जांच के लिए बनाया गया था, कोरोना की जांच होनी थी जहां पर, वहां पर जांच नहीं हो रही है। महज बिना जांच किए मुहर लगा दिया जा रहा है और साथ में उनका नाम नोट किया जा रहा है रजिस्टर पर। जब लोग पूछ रहे हैं, जब जनता पूछ रही है, जो साहब बैठे हैं, जो सेंटर हेड हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर आप नाम क्यों लिख रहे हैं, आप स्क्रीनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका जवाब होता है कि ये करते करते हम पागल हो गए। तो जी हाँ, आप साफ तौर पे समझ लीजिए जो अधिकारी हैं बिहार सरकार के और ख़ासकर जो सेंटर हेड हैं, जहाँ जहाँ स्वास्थ्य सेंटर बनाए गए हैं लोगों को चेकअप करने के लिए, वहाँ के लोग पागल हो गए हैं। पागल इस कदर कि बिना जांच किए मुहर लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी, अगर ईमानदारी नहीं बरती गई, ऐसी लापरवाही बरती जाएगी तो इसका असर बिहार में देखने को मिलेगा और एक खतरा मंडरा रहा है बिहार पर। मैडम सिर्फ मुहर मरा रहा है, चेकअप नहीं होगा? पिता का नाम? अरे अरे, यहाँ पे चेक नहीं कुछ हो रहा है? ना, सिर्फ मुहर क्यों मार रहे हैं मैडम? उम्र कितना है? यहाँ जांच हो रहा है, कहाँ उम्र कितना है? मैडम एक मिनट, एक मिनट, चेकअप नहीं हो रहा तो आप नाम क्यों लिख रहे हो? यही हो ही रहा है यहाँ सबूत के लिए भाई आप आए हैं। सबूत के लिए आए हैं तो ये सबूत क्यों लगाया जा रहा है? फिर हमें यहाँ आ क्यों रहे हैं हम लोग? चेकअप करवाने आ रहे हैं ना हम लोग? बाहर इस बात कर लेते हैं, जब हम चेक करवा रहे हैं, जब हम चेक इन होगा तो फिर जब चेकअप। कौन है, कौन है? अच्छा चेकअप नहीं हो रहा है क्या? हो गया ना, बता दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं है ना, ठीक है, होगी वही चेकअप। तो ये सिर्फ मुहर मारने से चेकअप हो गया? वही जो वो तो सिर्फ इसी मुहर मार। बीएससी बोलने से कोई फायदा नहीं है। जो मेरे पास साधन है वही हम खरीदिए, बाकी जो पागल हो गए हम लोग रोज 1000 आदमी से बात करते करते। इसको इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या क्या हुआ इसको? ठीक है, इसको कुछ क्या हुआ? जिस तरह से आंकड़े भयावह हो चुके हैं, राहत की खबर तो है ही, लेकिन अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो आगे आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल बिहार सरकार से भी है कि आखिर ये लापरवाही क्यों? बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार।